भाई साहब मैं एक घटना से शुरुआत करता हूँ। मैं रोज सुबह 8 बजे उठता हूँ। अब बाप ने मुझको पढ़ाया ये सोचकर अफसर बनूं। अपने अपने अनुभव याद करना और सुनना। पिक्चर खूब दिखाई। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बैठे इंतजार में है कि कब मैं आऊंगा, कुछ बातें करूंगा, कब मेरे दोस्तों को लेकर आऊंगा और वो आपसे कुछ बातें करेंगे। जब बातें करेंगे तो उन बातों में से वो बातें निकलेंगी, क्योंकि बातों से आपको लगेगा कि बातें तो ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अगर ऐसी बातें नहीं हो तो फिर बातें कैसी होंगी। और जैसी बातें होती है वैसी बातें तो हमें करने की जरूरत नहीं है, और जो बातें हम करते हैं वो हम करना नहीं चाहते। जिनसे बातें नहीं करना चाहते उनसे बातें करनी पड़ती है, और जिनसे बातें करते हैं उनसे बातें नहीं करना चाहते, और जिनसे बातें होती है उनसे कोई बात नहीं होती। लेकिन इन्हीं बातों में से बात निकलती है। छोटा सा दृश्य याद आ गया, मैंने कहीं पढ़ा था। एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट में एक बेटा अपने वृद्ध बाप के साथ बैठ के खाना खा रहा था। पिता की उम्र ज्यादा थी और खाते वक्त वृद्धावस्था में आप जानते हैं कि हाथ ठीक से काम नहीं करते। वो खाते वक्त गिरा रहे थे, कपड़ों पे गिर रहा था, कभी साइड में गिर रहा था, चम्मच मुंह में ठीक से नहीं जा रहा था, कभी कौर मार रहा था, लेकिन वो लड़का बिल्कुल शांत बैठा था और उन्हें ठीक करते हुए खिला भी रहा था। उसने किसी तरह खाना खिलाया और लोग जो वहाँ बैठे हुए थे दूसरी टेबलों में बड़ी हिकारत की दृष्टि से देख रहे थे। डिस्गस्टिंग, खाना गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, गंदगी हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो लड़का जो अपने पिता के साथ था शांत रहा। जैसे ही खाना खत्म हुआ वो पिता को बाथरूम की ओर ले गया, उनके कपड़े साफ किए, हाथ धुलवाए, मुंह धुलवाया, बालों में कंघी की और उनको बिल्कुल ठीक ठाक करके जब बाहर ले जाने लगा तो पीछे एक दूसरी टेबल पे एक वृद्ध सज्जन और बैठे हुए थे। उन्होंने आवाज लगी, बेटा तुम कुछ भूल के तो नहीं जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, नहीं मैं तो सब सामान ले लिया, मैं कुछ भी भूल के नहीं जा रहा। कि नहीं बेटा तुम बहुत कुछ भूल के जा रहे हो। कि नहीं मैंने कुछ नहीं भूला। कि नहीं तुमने कुछ छोड़ा है यहाँ पे? कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ मेरे पास है। कि नहीं तुमने कुछ छोड़ा और तुम छोड़ के जा रहे हो? उस लड़के ने कहा, मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ? बोले, बेटा तुम यहां जितने ये युवा बैठे हुए हैं ना उनके लिए एक शिक्षा छोड़ के जा रहे हो, और उससे बड़ी चीज के मेरी उम्र के जितने वृद्ध यहां बैठे हैं उनके लिए एक उम्मीद छोड़ के जा रहे हो। और उम्मीद ये है कि बचपन में हम अपने खाते वक्त मुंह से गिराते हैं, कपड़े गंदे कर देते हैं, हमारे पिता हम पे नाराज नहीं होते, मुंह साफ कर लेते हैं, कपड़े साफ कर लेते हैं, लेकिन न जाने क्यों जब वो इस काबिल नहीं रहते तो हमें करने में संकोच होने लगता है। ये उम्मीद जिंदा रखिए, जिसने अगर हमें मुंह में कौर नहीं दिया होता तो हम इस लायक नहीं होते कि हम कुछ कर सकें। तो आज अगर हम अपने माँ बाप के लिए, माता पिता के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर कहिए, और इस खूबसूरत जिंदगी को देने के लिए उनको कहिए, वाह भाई वाह। मैं कहानी सुना रहा था और प्रेरणा की आंखों में आंसू थे, शायद इसलिए क्योंकि संवेदना अभी जिंदा है और ये संवेदनाएं जिंदा रहनी चाहिए। प्रेरणा, इन आंसुओं को पहुंच लो। संवेदनाएं हमारे भीतर है क्योंकि हम कलमकार हैं, हमारे हाथों में कलम है। ये आंखों की नमी जो है वो कभी कभी बहुत अच्छी लगती है और होनी भी चाहिए। वो इंसानी क्या जो हंसी आए तो हंसे नहीं, वो इंसानी क्या जब गम हो तो रोए नहीं। कहता हूं मुंह फाड़ के हंसिए, जी खोल के हंसिए। रोना आए तो आंखों पे काला चश्मा मत चढ़ाइए, रो पड़िए, क्योंकि अगर हमने रोना और हंसना बंद कर दिया तो हम कुछ भी रह जाएंगे, इंसान नहीं रहेंगे। इसलिए आइए इंसान बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और मिलाते हैं हमारे तीन साथियों से, जो आपकी आंखों में पानी लेके आएंगे लेकिन हंसी की। आपके पलकों की कोर गीली हो जाएगी लेकिन हंसने की वजह से। अब थोड़ा मस्त हो जाओ यार, खुश हो जाओ। अब बात करते हैं हंसी की। और तुम तो बिल्कुल मत रो प्रेरणा, औरतों के आंसू अच्छे नहीं लगते। औरतें रोने के लिए नहीं होती है, रुलाने के लिए होती है।
माफ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूँ दुनिया भर की महिलाओं से, मतलब खुद भी मानती हैं सर। अच्छा घर जाओ, इनकी पत्नी है साथ में आइए। इस आदमी को वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए। जो भी मैं बात कर रहा हूं हैं करके टाल रहा है और पत्नी सामने बैठी और इतने दांत निकाल रहा है, क्या हो रहा है तुम्हें? ये रितेश त्रिपाठी है, रितेश में ऋषि वाला री है ना, है ना? ये ऋषि वाला जो री होता है ना, वो री। अरुण जैमिनी हमारे एक मित्र हैं, वो बहुत बढ़िया बात सुनाते हैं कि एक स्कूल के अंदर एक वो गया बच्चे और कहा कि ऋषि लिखो बच्चों को, कहा टीचर ने। अब वो ऋषि वाला री बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो आसानी से लिखा नहीं जाता। बच्चा कभी चौक देखे, कभी बोर्ड देखे, कभी बोर्ड देखे, कभी चौक देखे, पर उसको री समझ में नहीं आ रहा था ऋषि वाला। तो चौक और बोर्ड देखने के बाद मास्टर से बोला, बाबा जी लिख दूं क्या? तो ये ऋषि वाला री वाले रितेश त्रिपाठी हैं, जो बड़ौदा से हमारे बीच में, हम स्वागत करते हैं रितेश त्रिपाठी का। रितेश त्रिपाठी के पास प्रेरणा ठाकरे हैं, जिन्होंने मुझे कहा था कि सर मेरे परिचय में जरूर कहिएगा कि मैं डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे हूं। तो कह देता हूं कि डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे हैं, इन्होंने PhD की है और इनका क्या इसलिए कहिए कि मैंने PhD प्राप्त करने में बहुत चप्पल घिसे हैं। तो चलिए मैं देश के सामने कहता हूँ कि डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे हैं, मैं कंपाउंडर शैलेश लोढ़ा हूँ। और ये वार्ड बॉय दिनेश बंटी हमारे बीच में बैठा है और रोगी से तो आप मिल ही चुके हैं। दिनेश बंटी शाहपुरा भीलवाड़ा से हमारे बीच में आते हैं और आइए महफिल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बजाते हैं हास्य की घंटी, दिनेश बंटी जोरदार तालियों के साथ। वैसे मैं एक घटना से शुरुआत करता हूँ। मैं रोज सुबह 8 बजे उठता हूँ, एक दिन मैं 6 बजे ही उठ गया। पत्नी पोर्च में झाड़ू लगा रही थी। मैंने चुपचाप जाके पीछे से आके बंद करी। मैंने कहा बता मैं कौन हूँ? उसने कहा सुबह सुबह और कौन और सकते हैं, वही दूध वाले बेरूलाल जी। लेकिन ऐसे में क्या है, पत्नियां संभाल भी लेती है जी। एक ऐसी अत्याधुनिक पत्नी थी जी, और इसके भी पीछे किसी ने आके हाथ पकड़, पति नहीं मतलब, आंखें बंद की ये बोली राजू, एक तो राजू नहीं, मैं वही तो कह रही थी राजू साहब आ गए पानी लाओ। मैं आपको मोबाइल और बीवी में की कविता सुनाता हूँ। अच्छा, अरे मोबाइल और बीवी जी। मैं आपको मोबाइल के बारे में बताऊंगा, आपको ये समझना है ये बीवी के बारे में बता रहा है। अच्छा, ऑटोमेटिक समझ जाना है कि ये बीवी के बारे में बता रहा है। मोबाइल और बीवी दोनों स्मार्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल स्मार्ट है। आप कहोगे ये तो कोई तर्क नहीं, मगर मैं समझता हूँ मोबाइल और बीवी में कोई फर्क नहीं। अच्छा, मोबाइल को साथ रखना सदैव जरूरी है, बीवी को साथ रखना हमारी मजबूरी है। मोबाइल हमें नया नया ही अच्छा लगता है, बीवी भी हमें। मोबाइल चाहे कितना ही बढ़िया हो, कितना ही सुंदर हो, कितना ही महंगा हो, मगर मोबाइल हमेशा दूसरों का ही अच्छा। मोबाइल को खरीदने के बाद आदमी सोचता है थोड़ा रुक जाता तो कोई ढंग का मॉडल मिल जाता। मोबाइल अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो धूप में गहरा नहीं दिखता, और बीवी अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो रात को चेहरा नहीं दिखता। मोबाइल अगर सुंदर हो, रंगीन हो, महंगा हो तो चोरी चकारी से डरो,
और बीवी अगर सुंदर हो, रंगीन हो, रंगीन हो तो चौकीदारी करो। बहुत अच्छे। मोबाइल में अनेक प्रकार की रिंगटोन होती है, बीवी में दो प्रकार की रिंगटोन होती है, एक प्यार वाली और दूसरी गुस्से वाली। प्यार वाली रिंगटोन, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, और गुस्से वाली रिंगटोन अपने दिमाग में जब भी बीवी का फोन आता है ऑटोमेटिक बजने लगती है। और मैंने तो वो रिंगटोन भाई साहब सेट भी करवा रखी है, तुम आ रहे हो या मैं आऊं। बहुत अच्छे बंटी भाई साहब। क्या होता है कि आदमी बेचारा शाम को कभी कभी जाम लग जाता है तो जाम में लेट हो जाता है। मोबाइल अगर वाइब्रेट मोड पे हो तो समझ लो आपका कॉल आ रहा है, और बीवी अगर वाइब्रेट मोड पे हो तो समझ लो आपका कॉल आ रहा है। बहुत बढ़िया दिनेश। मोबाइल और बीवी दोनों ही सेटिंग की चीज होती है, सेटिंग ऑप्शन को कभी भी मत छेड़ो, क्योंकि सेटिंग ऑप्शन को छेड़ दिया तो हाथ मलते रह जाओगे, ना मोबाइल को पाओगे ना बीवी को। हाय हाय क्या बात है, वाह वाह। अच्छा दिनेश क्या बात है यार, वाह क्या बारीक ढूंढ के लेके आए हो तुम। बस मोबाइल और बीवी में सिर्फ एक ही छोटा सा फर्क है, मोबाइल तो आप लॉक भी कर सकते हो। वहां कोई चारा नहीं है। और जो तुम शाम को जाम में फंस रहे हो ना, वो थोड़ा कम फंसो। जैसे एक आदमी बैठा हुआ था, जेब से पर्स निकालता और कुछ देखता, फिर रख देता, फिर एक और। किसी ने पूछा क्या कर क्या रहे हो यार, क्या देख रहे हो। बीवी की फोटो है, बड़ा बहुत प्यार करता, प्यार की ऐसी की तैसी। तो बोले फोटो देख देख के एक एक क्यों मंगा रहे हो, जब तक सुंदर नहीं लगने जाती। उसी के बाद घर जाऊंगा तो जाम में थोड़ा कम फंसो मेरी जान। और हम बुला रहे हैं ऋषि वाले रितेश त्रिपाठी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मजाया गजल के कुछ शेर प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका प्रथम शेर देश की तमाम शैंपू बनाने वाली कंपनियों को समर्पित करता हूं कि कुछ इस तरह से सिर वो मेरा धो गए तो क्या करूं, कुछ इस तरह से सिर वो मेरा धो गए तो क्या करूं, चार बालों में से भी अब धो गए तो क्या करूं। कि चार बालों में से भी अब धो गए तो क्या करूं, और है अरबपति मेरे पापा, देखिए फिर भी नसीब, कुंभ के मेले में मुझको खो गए तो क्या करूं, कुंभ के मेले में मुझको खो गए तो क्या करूं। और चाहता था मैं भी करना फैमिली प्लानिंग, मगर चार बच्चे साथ में ही हो गए तो क्या करूं, चार बच्चे साथ में ही हो गए तो क्या करूं। और इसी बेबसी को आगे बढ़ाते हुए पर आपने कहा कि चार बाल थे दो रह गए, तो मुझे स्वर्गीय प्रदीप चौबे जी की एक बात बड़ी अच्छी याद आ गई। वो कहते थे कि जब सर पे दो ही बाल रह गए तो सीनियर बाल ने जूनियर बाल से कहा कि आओ हम आपस में विवाह कर लें ताकि ये खेती लहलहा उठे। लेकिन सीनियर ने समझाया हम नहीं कर सकते क्योंकि बाल विवाह पे प्रतिबंध है। जिंदगी की इस बेबसी को आगे बढ़ाते हुए एक और मजाया गजल प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका मतला कंपनी में काम करने वाली सेक्रेटरी को समर्पित करता हूं। हो बीवी सामने ध्यान रखना। वो न करती काम कोई खास तो मैं क्या करूं, वो न करती काम कोई खास तो मैं क्या करूं, खुश रहे उससे ही लेकिन बॉस मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं। और मैं बनाना चाहता था मार्बल का ताज, पर हो न पाया लोन मेरा पास तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं।
हो न पाया लोन मेरा पास, तो मैं क्या करूं? अब बाप ने मुझको पढ़ाया, ये सोचकर अफसर बनूं, छीलनी पड़ती है लेकिन घास, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? और अच्छी बीवी मैंने पाई, जाने किसके भाग्य से, कभी कभी पड़ोसी के भाग्य से भी मिलती है। अच्छी बीवी मैंने पाई, जाने किसके भाग्य से, साथ रहने आ गई पर सास, तो मैं क्या करूं? और इम्तिहान में पास होने को नकल जिससे भी की, यार वो ही हो न पाया पास, तो मैं क्या करूं? और अंतिम शेर अगर अच्छा लगे तो दास चाहूंगा कि राम हो बेटा मेरा, मैंने सदा चाहा यही, उसने मुझको ही दिया वनवास, तो मैं क्या करूं? उसने मुझको ही दिया वनवास, तो मैं क्या करूं? बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जिंदगी ऐसी बेबसी का नाम है कि क्या कहें। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि शादी के पहले मैंने बड़े बड़े शायरों के शेर कंठस्थ किए थे कि सुहागरात के दिन दुल्हन को सुनाऊंगा, उसे रिझाऊंगा, लेकिन जैसे ही घूंघट उठाया पर बस ये मुंह से निकल आया, मेटकी जैसा रूप है तेरा। जैसे बाल, अरे कि मेटकी जैसा रूप है तेरा, बुतनी जैसे बाल, अरे देख के तुझको डर लगता है, मुंह पे घूंघट डाल। लेकिन साहब मैं भी वडोदरा का संस्कारी पत्नी व्रता, लेकिन इस शेर को आपने जिनके सामने सुनाया है, अब आपको कल से कहना पड़ेगा कि हिम्मत थी मेरी कि उन्हीं के सामने सुना दिया शेर, अब वो न फटके पास, तो मैं क्या करूं? सर इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आया हूं। और मैं बताना चाहूंगा कि मैं वडोदरा का, बता दिया आपने। क्या नाम है श्रीमती त्रिपाठी आपका? सुमन। तो सुमन मतलब फूल, उसके क्या? साथ कांटे भी होते हैं सर। हाँ वो तो हम देख रहे हैं। ये जो कह रहे हैं क्या मतलब? कोई जो एक्सपीरियंस हुआ उन्होंने लिखा। ये होती है भारतीय नारी हैं? देखो आप कितना मतलब तहजीब से इज्जत बचा ली त्रिपाठी जी आपकी, कि उनको एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपने उनको मेंढकी जैसा कहा है। आपने कभी आईना देखा है घर में? मेरा आंसू उन्हीं में नजर आता है। बहुत बढ़िया, ये थे रितेश त्रिपाठी, जोरदार तालियां में, क्या बात है, थैंक यू। रितेश त्रिपाठी जी अध्यापक हैं, क्या पढ़ाते हैं आप रितेश जी? गणित विज्ञान सर। गणित और विज्ञान, विज्ञान भी पढ़ाते हैं साथ में। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? 6 to 8। 6 to 8 को पढ़ाते हैं जी सर। और कवि सम्मेलन में जाते हैं जी सर। तो आज से तो मुझे एक तो चीज पता चल गई कि कवि सम्मेलन में आपको माइक की आवश्यकता तो नहीं पड़ती होगी। सुमन जी माइक लीजिए, घर में सुनाते कि नहीं है गजलें आपको? पहली श्रोता मैं ही हूँ। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हर गजल आपको सुनाते हैं? हाँ। और आप शांत सुनती हैं? हाँ। कितनी भाग्यशाली हैं आप। बहुत कुछ सुनाती हैं सर जी। बहुत कुछ सुनाती हैं। ये भी सुनाती है फिर वो? हाँ सुनाती होंगी। आप भी सुनाती हैं सुमन जी? नहीं सुनाती है? नहीं। पहली बीवी है जो नहीं सुनाती है, बाकी बीवियां सुनाती है? ये अंदर की बात है सर। बाकी बीवियां दिन में बैठे शायरी करते रहते हैं, शेर से आटा आएंगे तुम्हारे घर में, काम करते हो नहीं, कपड़े कौन धोएगा तुम्हारे, टेबल कौन साफ करेगा,
अरे क्या ढेर लगा रखा है यहाँ पे? सुनना ही पड़ता है, पति का जन्म सुनने के लिए हुआ है। वो हर जन्म में सुनेगा क्योंकि उसका नाम ही पति है। और इतना सुनाने के बाद भी कहती है कि भगवान अगले जन्म में यही देना, तो फिर कहते हैं लोग पति बिचारे कि भाई जब इतना सुनाती है तो अगले जन्म में क्यों मांग रही है कि एक जन्म में ठीक ठाक के सुधारूं और वो किसी और को दे दूं। महफिल में दिनेश बंटी और रितेश त्रिपाठी जी, आप लोगों ने कमाल कर दिया। और हमारे साथ अब एक ऐसी कवित्री उपस्थित है जो नीमच मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आई है, जिनका नाम डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे है और वो कई सारे रसों में एक साथ लिखती है और आज पहली बार वाह भाई वाह के मंच पे प्रस्तुत हो रही है। और जब पहली बार कोई आता है और देश को कोई प्रतिभा हम पहली बार टेलीविजन को सौंपते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। नीमच एक बहुत खूबसूरत कस्बा है और उससे कुछ किलोमीटर दूर ही मैंने बचपन में कुछ क्लास पास की है। नीमच ज़िले के बिल्कुल पास एक कस्बा है निम्बाहेड़ा, जहाँ मैं अपने बचपन की पाँचवीं छठी क्लास में पढ़ा करता था। तो मेरे जीवन की बचपन की बहुत खूबसूरत यादें उस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। वहाँ से आती हैं डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे अपने हास्य गीत के साथ। जोड़ रहता चेमारू के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन और आइए आनंद की पंक्तियों के साथ प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। अपने अपने अनुभव याद करना और सुनना। पिक्चर खूब दिखाई, खूब कराई डेटिंग, पिक्चर खूब दिखाई, खूब कराई डेटिंग, रात रात भर जाग जाग कर खूब करी थी चैटिंग, उसका ब्रेकअप मैसेज पढ़ के होश ढीले हो गए। उसका ब्रेकअप मैसेज पढ़ के होश ढीले हो गए। मोटरसाइकिल बेच के उसको दिलवाया मोबाइल, अब वो उसके साथ पति की डाल रही प्रोफाइल, उसके काले पीले फोटो भी रंगीले हो गए, उसके काले पीले फोटो भी रंगीले हो गए, इसके हाथ खाली, उसके हाथ पीले हो गए, हाथ पीले हो गए, और कहती तेरे सिवान मेरी यारी है औरों से। लड़कियां देखना, शैलेश जी एक दुकान लड़की ने कहा जा करके कि भैया कोई ऐसा गिफ्ट कार्ड है जिस पे लिखा हो आई लव यू, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। दुकानदार ने कहा हाँ है। लड़की ने कहा तो ऐसे 20 दे दो। कि कहती तेरे सिवान मेरी यारी है औरों से, रिचार्ज से करवाती बात करे गैरों से, कहती तेरे सिवान मेरी यारी है औरों से, रिचार्ज से करवाती बात करे गैरों से, वो तो रही चैन से और ये दर्दीले हो गए, वो तो रही चैन से और ये दर्दीले हो गए, इसके हाथ खाली, उसके हाथ पीले हो गए, हाथ पीले हो गए, हाथ पीले हो गए। और सुनना कि लव यू लिख लिख उसको खूब बनाया उल्लू, लव यू लिख लिख उसको खूब बनाया उल्लू, इनके हाथ बचा है केवल बाबा जी का ठुल्लू। अच्छे, इसके हाथ खाली, उसके हाथ पीले हो गए, बेचारे लड़के क्या करें। अरे ऐसा म्यूजिक बजाना जरूरी है क्या यार? वैसे ही गम की बात चल रही है और गम की बात में तो पी कर रहा है, मानेगा नहीं तू, करता ही रहेगा पी पी। आज भी मूड खराब और नहीं रोना आ रहा हो तो पे करके रुला देता है।
चल तेरी थकन मिटा दूं, आ मैं तेरा सर दबा दूं। तू है और किचन है, आ मैं तुझे बाहर घुमा दूं। जिंदगी यही है, जिंदगी झगड़ने का और फिर रूठने और मनाने का खेल है। यकीन मानिए, अगर रूठा ही नहीं जाएगा तो मनाना फिजूल हो जाएगा। इसलिए रूठना बड़ा जरूरी है, लेकिन रूठिए ना, रोज रूठिए मैं तो कहता हूँ, लेकिन रूठिए गमों से, रूठिए उदासी से, रूठिए परेशानियों से, रूठिए मुसीबतों से, रूठिए मुश्किलों से, रूठिए खराब लोगों से, रूठिए बेवकूफ़ की कंपनी से, रूठिए उन तमाम चीज़ों से जो जिंदगी में हंसी नहीं देती। कुछ भी कीजिए, हमसे मत रूठिए। वाह भाई वाह।